हेलो गाइस, कैसे सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं, लाइक लास्ट सेशन में हमने देखा यहाँ पे लिस्ट का, राइट? यहाँ पे आ रहा है हमारा प्रिंट हो रहा है, ओके, दैट इज़ करेक्ट। तो आज हम देखने वाले हैं कि इनलाइन स्टाइलिंग हम कैसे करेंगे, ओके। अभी मैं मतलब इसको हम डिज़ाइन करेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं बोलूँगी कि इनलाइन स्टाइलिंग हम कैसे कर सकते हैं, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट ही बनाते हैं, ओके। और एक बात, आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो, ओके। सो यहाँ पे मैं अभी कंपोनेंट है ना, यहाँ पे मैं और एक कंपोनेंट बनाती हूँ जिसका नाम देती हूँ मैं इनलाइन स्टाइलिंग करके, ओके। तो मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ इनलाइन स्टाइल कंपोनेंट देंगे हम, ओके। स्टाइलिंग बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट? इनलाइन स्टाइल कंपोनेंट, ओके, कंपोनेंट डॉट js, ओके। तो हमने यहाँ पे एक कंपोनेंट बना के लिया है जिसका नाम है इनलाइन स्टाइल कंपोनेंट डॉट js, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उसको इनलाइन स्टाइल हम कैसे करते हैं, ओके। तो अब मैं यहाँ पे उसका फंक्शन बना के लिखती हूँ पहले, जो मुझे ऑटोमेटिक देता है rfce, ओके। अरे क्या हो रहा है यार, ओके, सॉरी फॉर दिस rfce, ओके। तो यहाँ पे हमारा इनलाइन कंपोनेंट आ गया, ओके। मतलब हमने इनलाइन कंपोनेंट यहाँ पे बना के लिया। अभी हमको देखना है कि हम कैसे उसको इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं, ओके। तो हम नॉर्मली HTML और CSS में कैसे करते हैं, हम नॉर्मल HTML में डायरेक्टली हम यहाँ पे स्टाइल लेते हैं और उसको असाइन करते हैं, राइट? लेकिन वैसे हमको यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो मैं बोलती हूँ आपको, मतलब इनलाइन स्टाइलिंग करते हुए कैसे करना है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका मतलब स्टाइल का ही एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम यहाँ पे, ओके। तो हम नॉर्मली कैसे करते हैं, मतलब HTML में ऐसे करते हैं, राइट? यहाँ पे एरो मार्क देते हैं और हमारा जो कुछ स्टाइल है, हम मतलब हमको जो कुछ करना है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ओके। लेकिन वैसे रिएक्ट में नहीं होता, ओके। तो यहाँ पे कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ जिसका नाम हम देते हैं इनलाइन स्टाइल, चलेगा, ओके। ऐसे ही देते हैं इनलाइन स्टाइल करके। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के ली हूँ पहले, ओके। तो इसके अंदर मुझे अभी लिखना है मेरा जो कुछ स्टाइलिंग है, मैं इसके अंदर अभी लिखूँगी, ओके। तो मुझे क्या करना है, मुझे कलर चेंज करना है, ओके। तो मैं यहाँ पे कलर लिखती हूँ, तो कलर मैं देती हूँ ब्राउन ब्लू, ओके। कलर मैं दे रही हूँ ब्लू। देन नेक्स्ट हम लेते हैं, पहले कलर ब्लू देखते हैं हम कैसे होता है, ओके। तो यहाँ पे तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इनलाइन स्टाइल का, ओके। तो अभी मुझे इसको यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे मुझे कुछ तो लिखना पड़ेगा, राइट? तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग टैग देती हूँ, तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग टैग बना रही हूँ जहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इज एन एंटी स्काई वेयर आई एम डूइंग इनलाइन स्टाइलिंग स्टाइलिंग, ओके, LING, ओके, स्टाइलिंग, ओके। तो यहाँ पे आ गया। अब हम इसको ये तो रन हुआ है, तो हम देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं रन हो रहा है, राइट? सॉरी सॉरी तो हमको क्या करना है, मैं हर बार भूल जाती हूँ कि मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है यहाँ पे, तभी वो रन होगा, नहीं तो रन नहीं होगा, राइट? तो मुझे app.js में जाना है, यहाँ पे उसको इंपोर्ट करके लेना है। तो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको कमेंट करती हूँ टू डू को हमारे, और यहाँ पे मैं लेती हूँ इनलाइन। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ इनलाइन स्टाइलिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इनलाइन स्टाइलिंग इंपोर्ट होके मुझे मिला है यहाँ पे, ओके। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है। तो मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, क्योंकि रिफ्रेश करना भी ज़रूरी है, एक एक बार अपने आप लेता है, लेकिन एक एक बार हमको रिफ्रेश भी करना पड़ता है, ओके। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है कोड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी अभी भी रन हो रहा है, मतलब अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे टाइम ले रहा है, राइट? तो कंप्लीट होने के बाद हमारे यहाँ पे दिखेगा, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो आई होप मैंने जो कुछ बोला है, मैं और एक बार रिवाइज़ करती हूँ तब तक, मतलब आपको बोलने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक कंपोनेंट बनाया, दैट इज़ इनलाइन स्टाइल कंपोनेंट करके। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिखा है, दिस इज एन इनफिस का वेदर आई एम वेयर सॉरी इट्स नॉट वेदर वेयर आई एम डूइंग इनलाइन स्टाइलिंग, ओके। तो यहाँ पे हो गया। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ इनलाइन स्टाइल। तो इनलाइन स्टाइल में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इनलाइन स्टाइल का, उसको मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, ओके। वो भी मैं बोलती हूँ, पहले हम देखेंगे कि हमारा हेडिंग अभी कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रनिंग सक्सेसफुल हुआ है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी आया ये डिसीजन इन पिस के वेर आई एम डूइंग इनलाइन स्टाइलिंग, ओके। तो यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं कलर कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है कलर, राइट?
यहाँ पे कलर अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे लिया ही नहीं, स्टाइल यहाँ पे दिया ही नहीं, इसलिए वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसको मुझे यहाँ पे स्टाइल करके देना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टाइल इन फ्लावर ब्रैकेट। मुझे लेना है यहाँ पे क्या, सॉरी, यहाँ पे मुझे लेना है इन लाइन स्टाइल। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टाइल लिया है और मुझे यहाँ पे लेना है इन लाइन स्टाइल। ओके, तो यहाँ पे मैंने इन लाइन स्टाइल दिया, मतलब यहाँ पे मैं जो कुछ करे तो मुझे यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर कैसा हुआ है, अभी ब्लू हुआ है, राइट। तो मतलब अप्लाई हो रहा है, मैंने यहाँ पे जो कुछ लिखा है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ओके, तो अब देखो हम जब नॉर्मल एचटीएमएल में स्टाइल करते हैं तब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, डबल कोट्स लेते हैं, राइट। डबल कोट्स लेके उसको लिखते हैं, और ये हम ऐसे नहीं लिखते, लेकिन रिएक्ट में हमको इनलाइन स्टाइल समझो आप यूज़ करें तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट, अभी कलर तो दिया है हमने, और एक यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दैट इज़ फॉन्ट साइज। ओके, और एक यहाँ पे फोकस करो कि हम हमारे नॉर्मल सीएसएस में, मतलब एचटीएमएल हम कैसे करते हैं कि फॉन्ट और डैश साइज करके हम देते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते कैसा है, फॉन्ट यस कैपिटल है, राइट। तो आप पे मॉनिटर करो कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ओके, तो सेम नहीं रहता, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे मैं देती हूँ 100 पिक्सल। ओके, तो 100 पिक्सल मैंने यहाँ पे दिया है। तो अब हम देखेंगे कि फॉन्ट उसका इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज़ हुआ, मतलब वर्क हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं कलर भी चेंज करूँगी, और कौन सा दे दूँ, पिंक दे दूँ। ओके, पिंक दे रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिंक भी आना चाहिए, तो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिंक भी अप्लाई हो रहा है। ओके, तो ऐसे आप इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं। ओके, बहुत इजी है, यहाँ पे कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इसको यहाँ पे हमको स्टाइल में लिखना है, और हमको ध्यान में रखो कि हमको फ्लावर ब्रैकेट में ही उसको लेना है, इट्स कर्ली ब्रेसेस में ही हमको उसको लेना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने इनलाइन स्टाइल कैसे किया है, बहुत ईजी है। तो अभी इनलाइन स्टाइल हुआ। ओके, अभी नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि इससे भी बहुत अच्छा है, दैट इज़ स्टाइल डॉट सी एस एस यूज़ करके हम कैसे स्टाइलिंग कर सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। कुछ भी क्वेश्चन है इस वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करो, हम उसका आंसर करेंगे। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन।